के साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को गुज़श्ता रोज़ थकावट के बाइस कमर में दर्द हुआ। नवाज शरीफ अब ठीक और बिल्कुल मुतमईन हैं। अमराज़ कल्ब के प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम 11 बजे इसका मुआयना करेंगे, जबकि उनकी इकोग्राफी भी की जाएगी। एम एस डॉक्टर आसिम हमीद की मीडिया से गुफ्तगू। सब है ना कार्डियोलॉजिस्ट, वो 11 बजे चेक करेंगे मियाँ साहब को, फिर वो बताएंगे कि फर्दर क्या ट्रीटमेंट करनी है। आज एको भी होनी थी, वो हो चुकी? वो भी 11 बजे होगी। और जो बाकी टेस्ट कोई होने वाले हैं आज? वो डिसाइड करेंगे ना कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, शिफ्टिंग के हवाले से बता दें, कल से तैयारियां? नहीं, वो कहते हैं इस कमरे से सेटिस्फाइड हैं तो यहीं पर रहेंगे। अभी नहीं, वज़ारत दाखिला ने तो हमें नहीं कहा कि कहाँ रखना है, वो तो हमारा अपना ही है ना कि हमने किस कमरे में रखना है। उन्होंने हमें कोई कमरा नॉमिनेट तो नहीं किया ना, उन तो सिर्फ शिफ्ट करने के लिए कहा है ना हॉस्पिटल में, तो वो हमने कर लिए और उनकी जो बेहतरीन ट्रीटमेंट है वो हम उनको देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, उनकी कमर में भी दर्द था, अब दर्द कैसा है उनका कमर का? वो मेरा ख्याल है कि शिफ्टिंग में जो उनको थोड़ा चलना पड़ा है तो उसकी वजह से वो अब ठीक है।